हेलो फ्रेंड्स, मोनो ट्रेल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही हेल्पफुल है, स्कोरिंग मार्क्स हो सकते हैं आपके इसमें। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इन दैट दे नीड अ वेराइटी ऑफ मटीरियल्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट टू फंक्शन एंड अकॉम्प्लिश टू प्राइमरली गोल सप्लाई इनफ एनर्जी टू मैनेज देयर प्रोसेस एंड एक्सट्रैक्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स टू रिपेयर देमसेल्स और प्रोक्रिएट। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि हमें इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट से क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, फूड सप्लाई चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो खुद को मैनेज कर सके। जो उनके सेल्स हैं, जैसे कि आप ह्यूमन बॉडी ले सकते हो, ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो सेल्स होती हैं, ह्यूमन बॉडी सेल्स से बनी हुई है, तो सेल्स को क्या है, जब तक आप न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो वो अपना काम प्रॉपरली तरीके से नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, ठीक है। उनको इन्वायरमेंट से ऐसा मटेरियल चाहिए होता है, इन्वायरमेंट से या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसा एक्सटर्नली या इन्वायरमेंट से चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है जिसकी वजह से वो ग्रो कर सके, ठीक है। दीज इन्वायरमेंट्स वेरी एज मच एज द इनको ऑर्गेनिजम्स टू देमसेल्व्स। द इवन एन अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन एनी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनको इन्वायरमेंट के जो पार्टिकुलर्स हैं, पार्टिकुलर है उनको, उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज कीजिए कि आप टेम्परेचर ले लीजिए। टेम्परेचर क्या है, जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या तो कूल होता है या बहुत ही गर्म होता है या बहुत ही ठंडा होता है या बारिश का टाइम होता है, तो उनमें क्या होता है, पीएच लेवल भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन सा उनका पीएच लेवल प्रेफर करता है या कौन सा पीएच लेवल प्रेफर नहीं करता है, तो ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे। तो एवरीथिंग जो है वो इन्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये फैक्टर इफेक्ट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सो जो न्यूट्रिएंट्स है, आप जानते हैं कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें आपके आपको न्यूट्रिएंट्स मिलती है, ठीक है, उससे आपको एनर्जी मिलती है, आपको काम करने की क्षमता मिलती है। सो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या फिर ह्यूमन ले लो, एनिमल्स ले लो, किसी को भी ले लो, हर किसी को फूड की, जो लिविंग थिंग्स है उनको फूड की जरूरत होती है क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सो द फूड सोर्स कैन वेरी बट द ऑर्गेनिजम्स प्राइमरी एक्सट्रैक्ट कार्बन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेसिकली क्या है, जो खाना हम खा रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें से बेसिकली हम क्या लेते हैं, हम उसमें से कार्बन, नाइट्रोजन और उसमें से जो प्रोटीन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारे काम आती हैं। कैसे, जब हमारी बॉडी के अंदर खाना जाता है तो ये सारी चीज़ें क्या है, टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और जो भी हमारी जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हम क्या करते हैं, हमारी जो सेल्स हैं वो उसे यूटिलाइज कर लेती है, और जिसको हम एनर्जी, खुद की एनर्जी के लिए उसको यूज कर लेते हैं। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम सिक्स आउट एंड ऑब्जर्व सम पार्टिकल्स। तो एब्जॉर्ब क्या करती है, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सम पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि हर किसी को क्या है कि एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। सो अदर्स मे परफॉर्म केमिकल्स रिएक्शन विद सराउंडिंग एलिमेंट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड टू गेन व्हाट दे नीड, व्हाइल स्टिल अदर कैन प्रोड्यूस देयर अवन सिंपल शुगर थ्रू फोटोसिंथेसिस सिमिलर टू प्लांट्स। सो क्या होता है फ्रेंड्स कि हर किसी को, जानते हैं कि आपको एनर्जी की नीड होती है, जैसे कि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो, जैसे कि ह्यूमन्स बॉडी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट वगैरह ब्रेक डाउन होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, शुगर भी ब्रेक डाउन होता है। शुगर जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके से एनर्जी मिलती है। सिमिलर ऐसे ही क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से प्लांट को भी खाना मिलता है, ठीक है। सनलाइट जो कि प्रेजेंस में क्या होता है कि जो प्लांट्स भी है अपना भोजन बनाते हैं, और वो भोजन उनको मिलता है, उससे उनको एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, ठीक है। तो ये क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो है एक एनर्जी का सोर्स है उनके अंदर, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन विच इज़ यूज टू सिंथेसिस प्रोटीन. नाइट्रोजन को हम किस में यूज़ करते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस में हम उसको यूज़ करते हैं. सो कैन बी टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग एटमोसफेयर ऑफ द अदर ऑर्गेनिक मैटर्स. तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जो आसपास का वातावरण है, एटमोसफेयर है, वहाँ से भी हम ऑर्गेनिक मैटर्स ले सकते हैं. ठीक है, अब आता है हमारे फ्रेंड्स सेकेंड हमारा है जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है, ये हमारा है टेम्परेचर. सो इन जनरल द हायर एंड हायर द टेम्परेचर दी मोर इजिली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो अप टू अ सर्टेन पॉइंट. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कहीं का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वहां पर क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या है कि वो उतनी ही आसानी से उस टेम्परेचर पर ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, बाय चांस कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस टेम्परेचर पर ग्रो नहीं कर सकते, तो वहां ग्रो नहीं करते. तो उनके लिए एक ऐसा एनवायरमेंट होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे वो इजिली ग्रो कर सकते हैं. तो वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर बोथ ऑब्स्ट्रक्ट एंड द एंजाइम्स प्रोसेस इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द सर्वाइव. सो ये डिपेंड करता है कि वो किस टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे कि सपोज कीजिए कि जो एक रूम टेम्परेचर है आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रही है. अब उसको हाई टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो क्या वो ग्रो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी. ऐसे ही हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे वो ग्रो कर पाती हैं. सो बट इंडिविजुअल स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव ग्रोन टू परफॉर्म टू प्रेफर डिफरेंट लेवल ऑफ टेम्परेचर. तो क्या होता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज होती हैं जो क्या ग्रो करने के लिए एक डिफरेंट लेवल का टेम्परेचर उनको मेंटेन करना पड़ता है. सो साइंटिस्ट यूजुअली डिवाइडेड दैम इनटू थ्री डिफरेंट ग्रुप्स. तो इनको हमने ना थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. सो फर्स्ट हमारा है साइकोफाइल्स, मेसोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स. तो साइकोफाइल्स, मेसोफाइल्स और थर्मोफाइल्स फ्रेंड्स से याद रखना है आपको, थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है हमने. तो जो साइकोफाइल्स हैं इनको जो टेम्परेचर बहुत ही प्रेफर्ड होता है वो होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. तो इसको हमने साइकोफाइल्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. सो मेसोफाइल्स लाइक इन द मिडल 20 to 45 डिग्री सेल्सियस पे इनको टेम्परेचर बहुत ही प्रेफर होता है, तो इनको हमने मेसोफाइल्स में डिवाइड किया हुआ है. थर्मोफाइल्स में क्या होता है, थर्मोफाइल्स लाइक इट अ हॉट. ठीक है, तो थर्मोफाइल्स को इसलिए हमने नाम दिया हुआ है थर्मोफाइल्स क्योंकि इसको बहुत ही हॉट टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है. सो ड्राइविंग द टेम्परेचर अराउंड ऑन अबव 55 डिग्री सेल्सियस. सो 55 डिग्री टेम्परेचर तक ये क्या होते हैं कि ये रह सकते हैं. एंड देन फ्रेंड्स हमारा है पीएच लेवल. सो जो पीएच लेवल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या होता है कि एक एनवायरमेंट होता है. ठीक है, एक टेम्परेचर होता है, एक एनवायरमेंट होता है. एनवायरमेंट का जो पीएच लेवल होता है वो प्रेफर होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए. वो डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस पीएच लेवल पर ग्रो कर सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो प्रेफर अ सर्टेन पीएच लेवल इन दी सब्सटेंसेज ऑफ और एनवायरमेंट इन विच दे ग्रो. दैट इज दे प्रेफर टू हैव पर्टिकुलर एसिडिक क्वांटिटीज टू देयर सराउंडिंग. तो बेसिकली क्या है, ये ज्यादातर प्रेफर करते हैं एसिडिक क्वालिटीज प्रेफर करते हैं अपने सराउंडिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, तो इनके लिए ना एक पीएच एक लेवल होता है, वो उसको बहुत ही लाइक करते हैं. एक पीएच लेवल का एक ऐसा एनवायरमेंट होता है जो एसिडिक क्वालिटीज होती है जिसके अंदर वो एनवायरमेंट उनको बहुत ही पसंद आता है ग्रो करने के लिए. सो मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड मोस्ट ह्यूमन पैथोजेंस. सो काफी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर पैथोजेंस कॉज करते हैं. आर न्यूट्रोफिल्स ऑर्गेनिजम्स दैट प्रेफर आर न्यूट्रल पीएच लेवल. तो क्या होता है कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली ह्यूमन में पैथोजेंस कॉज करने के लिए प्रेफर है, तो उनको ना न्यूट्रल पीएच लेवल काफी ज्यादा पसंद होता है. ठीक है, वो मुझे काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं न्यूट्रल पीएच लेवल. सो सम लाइक हाई पीएच लेवल बट मोस्ट ऑफन इन कंडीशन आर टू एसिडिक देन द ऑर्गेनिजम्स एंजाइम ब्रेक डाउन. तो क्या होता है, कुछ ऐसे हाई पीएच लेवल होती है जिनके अंदर, लेकिन क्या होते हैं कि काफी ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि वो काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके एंजाइम्स जो है वो टूट जाते हैं. तो क्या है, उनका पीएच लेवल एक तरह से इतना भी ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है. ये भी फैक्टर उसको इफेक्ट कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. सपोज कीजिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एसिडिक कंडीशन पसंद है, लेकिन एसिडिक कंडीशन को और ज्यादा एसिडिक कर दिया जाए, ठीक है, एक हायर लेवल तक पहुंचा दिया जाए, तो वो ऑर्गेनिजम्स के जो जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. जैसे कि आप न्यूट्रल ले लीजिए, न्यूट्रल पीएच लेवल का एक मेंटेन पीएच लेवल होगा, अगर उसको हाई कर दिया जाए तो क्या होगा कि वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एंड देन है हमारा फ्रेंड्स मॉइस्चर. सो मॉइस्चर क्या है फ्रेंड्स, मॉइस्चर को हिंदी में हम नमी कहते हैं.
सो द फ्री फ्लो ऑफ वाटर इज वाइटल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सेल्स ऑफ एक्सचेंज मटेरियल्स एंड देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. तो क्या होता है कि जो एक मॉइस्चर कंडीशन होती है इसके अंदर क्या होता है कि ये अपने सेल्स को, सेल्स के मटेरियल्स को एक्सचेंज करते हैं और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो इसमें वो करते हैं इन अ मॉइस्चर कंडीशन में. ठीक है, सो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर सम लेवल ऑफ वाटर. तो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक लेवल का वाटर मेंटेन करना होता है. सो बट इट अ फ्यू कैन सर्वाइव इन अ लो मॉइस्चर कंडीशन. तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लो मॉइस्चर कंडीशन में सर्वाइव करते हैं और को सर्वाइविंग ऑल द वाटर दे फाइंड एंड बाय स्टेइंग इन अ मॉइस्चर रिच एनवायरमेंट. तो क्या होता है कि ये कुछ पानी के नमी के पानी के संरक्षण हो सकते हैं और इसमें नमीयुक्त जो वातावरण है वो भी रह सकती है. तो क्या होता है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रेंड्स जिनको मॉइस्चर इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, जैसे कि प्रेफर होता है कि बहुत ही, एक तो बहुत ही मेंटेन मॉइस्चर कंडीशन होती है और कुछ आपने देखा होगा कि जहाँ पे नमी वाली जहाँ पे जगह होती है, जहाँ पे काफ़ी नमी हो जाती है वहाँ पर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं और जिनको नमी प्रेफर नहीं होता है वो उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, एंड देन हमारा एलिमेंट्स प्रेजेंट. सो फ्रेंड्स, एलिमेंट्स प्रेजेंट का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि आपके एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं. सो इन एडिशन ऑफ वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजुअली रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन द एयर गैसेस एंड दे एब्जॉर्ब टू प्रोड्यूस नीडेड न्यूट्रिएंट्स. तो आपको पता है कि आमतौर पर क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन जो एलिमेंट्स के थ्रू भी क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, कुछ ऑक्सीजन के अनप्रेजेंस में ग्रो करते हैं. तो वो क्या होता है कि वो भी इन्वायरमेंट से क्या है कि अपने लिए न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं. सो नाइट्रोजन इज वन नेसेसरी एलिमेंट एज इट ऑक्सीजन. तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, जैसे कि हमारा ये ऑक्सीजन है. देयर आर मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट रिक्वायर एन ऑक्सीजन. तो काफी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है रिच इन्वायरमेंट टू सर्वाइव. ठीक है, इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए. बट अदर एक्चुअली फ्लॉरिश इज लो ऑक्सीजन सराउंडिंग्स. तो कुछ क्या होते हैं कि जिनको बहुत ही कम ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है. सो बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स इज अ वाइड वेराइटी दैट दे प्रेफर मोर एंड लेस ऑक्सीजन. तो क्या होता है कि ये जो दो एक्सट्रीम वाइड वेराइटी है यहाँ पर, ठीक है, इनमें कम और ज्यादा ऑक्सीजन वाले भी यहाँ पर क्या है कि एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे कि फ्लोरिश क्वालिटी होती है इनके अंदर नो मैटर हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. तो एनवायरनमेंट में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है इससे कोई मैटर नहीं करता है. ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किसी को बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते. ऐसा नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पर्टिकुलर किसी कंटेंट में उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है. एनवायरनमेंट में जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उतना ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए उतना ही प्रेफर होगा. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो काफ़ी सारे फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा कि काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके लिए काफ़ी बेटर भी हैं और काफ़ी बेटर नहीं भी हैं, क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, अगर वो एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल रहा है दैट मीन्स कि वो फैक्टर्स क्या है उसको अफेक्ट कर रहे हैं. और जो एनवायरनमेंट उनको ग्रो करने के लिए बहुत ही प्रेफरेबल है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो फैक्टर उसके लिए यूजफुल है. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है कि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्रो कर रहे हैं, पर्टिकुलर पीएच लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, उनको एक मॉइस्चर एनवायरनमेंट की भी जरूरत है. सो फ्रेंड्स, अगर आपको फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.